क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह सेवा दल ने लगाया 17वां ब्लड डोनेशन कैंप। करीब 200 युवाओं ने किया ब्लड डोनेट। डीएमसी के माहिर डॉक्टरों की देखरेख में संपन्न हुआ कैंप। क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह सेवा दल की ओर से 17वां रक्तदान कैंप स्थानीय होटल में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नौजवानों ने शामिल होकर ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर कुल 200 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। इस कैंप में डीएमसी अस्पताल से आई टीम ने विशेष सहयोग दिया तथा रक्तदानियों को रक्त डोनेट करवाने में सहायता की। इस मौके पर संस्था के प्रधान सर्वणत्री ने कहा कि रक्तदान विश्व का सबसे महान दान माना जाता है, जो कि किसी की जिंदगी को बचाने का काम आ सकता है। सर्वणत्री मुख्य सेवादार क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह सेवादार। 28 सितंबर को सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन होता है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमने होटल सरेंडर एजेंसी में संस्था की तरफ से 17वां खूनदान कैंप का आयोजन किया है, जो इस समय चल रहा है। 200 के लगभग यूनिट हो चुके हैं ब्लड के। 4 बजे तक चलेगा और इसमें मुनाफा होगा। 2001 से हमारी संस्था क्रांतिकारी भगत सिंह सेवा दल का गठन हुआ था। तभी से हम खूनदान कैंप, कुश्तियाँ, 23 मार्च को हम भगत सिंह जी के शहीदी पर्व पर कुश्तियों का आयोजन करते हैं, जिसमें पंजाब के लेवल के पहलवान अखाड़े में कुश्तियों को जोहर दिखाते हैं, वो भी चलता है हर साल। और 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसकी याद में भी एक खूनदान कैंप लगाया जाता है। इसके अलावा हमारी एक क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से एक डिस्पेंसरी चल रही है, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, जिसमें दवाइयाँ फ्री दी जाती है, चेकअप भी फ्री किए जाते हैं। पिछले काफ़ी समय से पंजाब का बहुत बुरा हाल है, और जिसमें अभी तक कुछ भी पंजाब का कोई सुधार तो नहीं हुआ। हाँ, हमारी दो युवाओं पीढ़ियाँ, जैसे 14 साल से लेके 25 साल और 25 साल से लेके 35 साल, जो आज एक ड्रग्स का नामक पदार्थ चला हुआ है हमारे युवा, और चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जल्द से जल्द बंद करवाएं, लेकिन लगता नहीं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है जिससे इसमें से बंद हों। काफ़ी पंजाब का नुकसान हो रहा है, इसका भरपाई की नहीं जा सकती। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति सजग करते हुए खेलों से प्रति जुड़ने की अपील की। जागती लहर के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।